आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है टू ब्रीफ यू दैट हमारा दिल्ली चलो दिल्ली भरो अभियान आज हमारे वॉरियर्स फ्रॉम TWF YTF एंड दीपरा मोथा हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर दीपरा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द दीपरा मोथा स्पेशली द TWF दीपरा मोथा एंड YTF जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं एंड वी विल बी पुटिंग अ डिमांड इन राइटिंग टू द होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर दीपरा लैंड. सेकेंड पॉइंट है कि हमारा 2-3 इश्यूज है. हमें खबर मिला था कि चरेलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है. वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उनका मृत्यु होता है हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है. लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे तीपरा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है. पहले एक किसी का पिताजी है किसी का हस्बैंड है किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है. तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है. वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसे ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस में मारा गया. वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको इसका उनके ऊपर हमला किया उनको मारा पुलिस शुड बी अरेस्टिंग देम एंड पुलिस शुड बी टेकिंग फ्री एंड फेयर इंक्वायरी. ये मेरा सेकेंड पॉइंट था एंड वी डिमांड दैट एक्शन बी टेकन. इलेक्शंस अगले 2-3 महीने में आने वाला है और अगर आज पुलिस ने गुंडे लोगों को अरेस्ट नहीं किया तो ये आने वाले 2 महीने में सिचुएशन और ख़राब होगा और इससे स्टेट का छवि खराब होगा और ये वायलेंस अगर हमने आज इसको नहीं रोका तो 2-3 महीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ में किसी का भी वो BJP का हो CPM का हो कांग्रेस का हो मोथा का हो या कोई ऐसे ही आम नागरिक हो किसी के ऊपर भी कहीं में भी कुछ हमला होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो इस पार्टी से था या वो उस पार्टी से था. गुंडे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और गुंडे लोगों का कोई पार्टी नहीं होता है. गुंडे लोगों को आप अरेस्ट कीजिए ये हमारा क्लियर डिमांड है. लास्ट पॉइंट है आपने देखा है कि देर हैज बीन मेनी इश्यूज रिगार्डिंग कोकबोरो अनाउंसमेंट इन द अगरतला एयरपोर्ट. 1 महीने पहले मैं खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानता भी हूँ जानता भी हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं उनसे मिला था और मैंने उनको राइटिंग में एक डिमांड दिया था कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट किया जाए. कॉकबोरोक हमारा स्टेट रिकग्नाइज लैंग्वेज है और हमने ये कहा था कि ये अनाउंसमेंट बंगाली में हो रहा है हिंदी में हो रहा है इंग्लिश में हो रहा है उसको रहना चाहिए और साथ बाय साथ
इसको कॉपरॉक में भी करना चाहिए। दुख का बात है कि उनकी चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कॉपरॉक को कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे दुख लगता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इस भूमि का है उसको हम लोग सम्मान नहीं दे रहे। मैं फिर से अपील करता हूं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिजिनस तिपरासा के सेंटिमेंट के साथ प्लीज खिलवाड़ मत कीजिए। हम चाहते हैं कि बांग्ला रहे, हम चाहते हैं इंग्लिश हिंदी रहे, और हम चाहते हैं कि कॉकबोरॉक भी इंट्रोड्यूस हो जैसे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। आप हर चीज को बंगाली और कॉकबोरॉक में लाकर क्यों टेंशन लाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बंगाली ने भी अपोज किया है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पॉलिसी जिसमें हमको डिवाइड एंड रूल किया जाता है वो अनएक्सेप्टेबल है, और मैं चाहता हूं कि आज से 6 साल पहले जब जितेंद्र चौधरी ने, जो उस समय एमपी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा था, तो उसी समय सिविल एविएशन मिनिस्टर, जो एनडीए गवर्नमेंट के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम कॉकबोरॉक में अनाउंसमेंट करेंगे। तो 6 साल में क्या बदल गया है कि आज आपको कॉकबोरॉक का अनाउंसमेंट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में नहीं किया दिया जा रहा है? यही बात सीबीएसई एग्जाम्स का भी है। सीबीएसई का जो परीक्षा होगा, हम वेलकम करते हैं कि कॉकबोरॉक को सीबीएसई में आप दर्जा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा आप बांग्ला लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर बांग्ला लैंग्वेज में सीबीएसई का एग्जाम्स हुआ तो 99% हमारे स्टूडेंट को मुश्किल होगा एग्जाम्स पास करने के लिए। आप क्यों हमें इंग्लिश में एग्जाम्स देने का अवसर नहीं दे रहे हैं? आज दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो 8 लैंग्वेज कमीशन में नहीं है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस में या उनके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में परीक्षा देने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को जो कॉकबोरॉक में एग्जाम दे रहे हैं उसको आप क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हमारे चॉइस में नहीं देकर किसी और चॉइस में दिया जाए? स्टेट गवर्नमेंट को मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आप हर चीज को ऑपोजिशन के तरीके से मत देखिए। ये हमारा जो सजेशन है कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऑपोजिशन का बात सुनेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनेंगे, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, देश का भला होता है, राज्य का भला होता है। अगर आपको कोई सवाल है इसके बाद, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू से एनीथिंग ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज फील फ्री। बट इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर रिगार्डिंग द दिल्ली अभियान, रिगार्डिंग द वायलेंस विच टू प्लेस इन चरिला, और रिगार्डिंग कॉकबोरॉक इन द एयरपोर्ट एंड इन सीबीएसई। Over 1400 warriors have left. And do you feel that political violence, you know, have increased in the last couple of months? Murder, if someone dies, how can you justify a death of an individual? मैंने कुछ स्टेटमेंट सुना है कि वो सीपीएम का वर्कर था या वो बीजेपी का वर्कर को पीटा गया। सबसे पहले वो सीपीएम वर्कर नहीं, सबसे पहले वो बीजेपी वर्कर या मौसा वर्कर नहीं, कांग्रेस वर्कर नहीं, सबसे पहले वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है। अब अगर हिंदुस्तान के नागरिक को आप पहले पार्टी के रंग से देखेंगे और हिंदुस्तान के नागरिक के आधार से नहीं देखेंगे, देन देश में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टेट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा का ही नाम क्यों आता है जो वायलेंस होता है? अरे एक पार्टी अपना प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा पार्टी उसका प्रोग्राम कर रहा है, करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए तो ये सब अरेस्ट हो जाएंगे गुंडे लोग, क्योंकि ये जो गुंडे लोग सीपीएम के टाइम भी थे, कांग्रेस के टाइम भी थे, आज बीजेपी के टाइम भी है, ये गुंडे लोग हैं। और गुंडा लोगों को अगर हम आज पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, बाद में जब हम लोग पावर में नहीं रहेंगे तो यही गुंडे लोग हमें कोई अटैक करेंगे। दीज पीपल आर थ्रेट टू सोसाइटी। और मुझे जहां तक खबर है, पुलिस अच्छे लोग हैं, पुलिस में वो लोग अरेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भी अरेस्ट होता है, ड्रग्स का मामला हो या पॉलिटिकल वायलेंस का मामला हो, तो मंत्री का फोन आ जाता है, नेता का फोन आ जाता है कि
ये इसको, ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ दो. जब तक ये फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा ये वायलेंस रहेगा. आई थिंक पीपल हैव टू बी अरेस्टेड, एग्जाम्पल हैज टू बी सेट. हूएवर, इफ टुडे वी डू नॉट अरेस्ट परपेट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस, इन द नेक्स्ट टू मंथ्स वायलेंस विल इंक्रीज एंड कॉमन पीपल, द कॉमन सिटीजन ऑफ त्रिपुरा विल सफर. But the Chief Minister says only 700 legal PIs. Do you think that there have been some changes in last 3 months in the police activity? I think the Chief Minister has been, to be very honest, I am not a person who will criticize for the sake of criticism. The Chief Minister seems like an honest man, he seems like a decent man. But I think the Chief Minister also has to understand that the police have never been given a free hand in Tripura, whether it was under Manik Sarkar or whether under Biplab Deb or today under Manik Shahaji. I think because there is enough, I don't think police has been given free hand in India. So there is no special case in Tripura, but I just think that the police today are scared in arresting smugglers, drug smugglers. Police are afraid in arresting the helmet gang squad. And because we gave these people such khula, you know, freedom, today these people are doing whatever they want to do. And the politicians also are finding it difficult to control them. The police have to be given complete free hand to arrest. And if this happens, the violence will come down. Mark my words, this situation, if it is not controlled now, will spiral into a bigger problem, and we don't want that. Sir,